आपका स्वागत है माधव एम सी पी के एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज मैं आपको दूंगा लॉकेबल चेस्ट एडन फॉर माइनक्राफ्ट पीई पॉकेट एडिशन। ये एडन में आपको लॉकेबल चेस्ट एडन ये है, इसको आपको ऐसे दबा के रखना है। फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरी। तो यहाँ पे रीनेम पे जाना है, देन यहाँ पे डॉट जिप है इसको रिमूव कर देना है, देन यहाँ से रिफ्रेश मार देना है आपको। देन यहाँ पे लॉकेबल चेस्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, देन यहाँ पे टैप करना है, देन यहाँ पे कर लेना है। देन आपको डायरेक्ट माइनक्राफ्ट खुलेगा। देन माइनक्राफ्ट खुलते मेरा इम्पोर्ट स्टार्टर हो गया और मेरा इम्पोर्ट फेल हो गया क्योंकि मैंने पहले ही ये कर चुका था। तो आपको बस ये स्टेप कर लेना, आपका इम्पोर्ट सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही कर लिया था। तो ये मेरा इम्पोर्ट फेल आएगा ही आएगा। अब मैं अपने वर्ल्ड में जाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो माय पैक्स में ये रिसोर्स वाला है एक, तो यहाँ पे एक बिहेवियर वाले में अपने आप लग जाएगा, आपको रिसोर्स वाले में लगा लेना है। और एक्सपेरिमेंटल मोड्स अनेबल कर लेना, मेरा पहले से अनेबल है मेरी केस में। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्ले पे जाता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट वर्ल्ड के अंदर। तो गाइस वर्ल्ड में आते ही आपका यहाँ पे मैं क्राफ्ट रूम खोल रखा है। यहाँ पे देखो ये बहुत सी नई नई चीज़ें, यहाँ पे देखो उसका कार्ड है, ये रिकॉग्नाइजेशन मॉड्यूल है ये ले लेना है, और कोई भी कलर का एक कार्ड ले लेना, जैसे कि मम्मी आई एम चूजिंग देयर ब्लैक कैन सॉरी वाइट चेस्ट की। तो वाइट का डाई भी चाहिए होगा आपको, और डाई एक से ज़्यादा रखना क्योंकि वो बहुत काम आने वाले हैं आपके। और आपको एक लोकेबल चेस्ट ले लेनी, मैं सारी एसेसरीज आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो या तो ये देखो लोकेबल चेस्ट ये ले लेना है, ओ सॉरी मॉड्यूल रिकॉग्नाइजेशन निकल गया है, उसको निकालना पड़ेगा वापस। यहाँ से अंदर जाना है नीचे, देन ये रिकॉग्नाइजेशन मॉड्यूल और ये लेने के बाद आपको, तो गाइस आपको जैसे ही लोकेबल चेस्ट मिल जाए तो आपको क्या करना है, इस लोकेबल चेस्ट को जमीन पर रख देना है और नहीं तो क्या। देन ये लोकेबल चेस्ट जब जमीन पर आ गया, इसका कलर सिंपल है, ये माल भी खाता है पर इसको ये हटेगा नहीं है ना, तो इसको आप ऐसे डाई कर सकते हो। और क्या हुआ ये, इससे डाई हो जाते हैं, डाई हो चुका है। अब आपको ये मॉड्यूल से टेम करा देना है। अब टेम कराने से होगा ये कि ये अब आपके अलावा इस कार से और कोई नहीं खोल सकता, वरना अगर आप टेम नहीं कराओगे तो आपके अलावा इस वाइट कलर के कार से सब लोग खोल सकते हैं इसको। तो ये सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा फिर उस टाइम पे, जैसे कि मैं इस पर इंटेक्ट करूँगा। ये हो चुका है अपना लॉक, ये देखो ये लॉक हो चुका है। अब इसको ना तो खोल सकते ना कुछ और, देखो इंटेक्ट करूँगा ओनर मिसमैच्ड ओके। और अगर एक वाइट कार से कोई और खोलने की कोशिश करे तब भी नहीं खुलेगा क्योंकि हमने इसको इस रिकॉग्नाइजेशन मॉड्यूल से फीड कर रखा है। और आप स्कीम पे देख सकते हो, इन सबकी रेसिपीज़ में अभी दिखा देता हूँ। तो ये इसकी रेसिपीज़ है, तो होपफुली आपने देख ली होगी। तो ये और भी चीज़ें शायद इसमें, तो वो भी आप देख लेना इन्वेंटरी में, पर मेनली ये चीज़ें हैं। तो इससे क्या होगा कि आप मल्टीपल खेलते हो तो आपका जो सामान है ना वो आपका कोई और ले नहीं सकता है, वो चोरी नहीं हो सकता है क्योंकि SMP में सर्वर में ये दिक्कत आती है कि कुछ चोरी कर लेता है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बस, और मैं अभी टेस्ट करा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास अभी मल्टीप्लेयर में कोई है नहीं, वरना हमेशा मेरे साथ एक मेरा भाई खेलता है, आज वो खेल नहीं रहा। तो यार मैं आपको मल्टीप्लेयर दिखा नहीं सकता, पर आप इसको ट्राई जरूर करना, ये 101% काम करेगा। और अगर नहीं करेगा तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो आपकी क्वेरीज जो भी हो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो, कमेंट कर देना अच्छा सा। तो चलते हैं, बाय।